छत्तीसगढ़ में बस्तर पुलिस ने 2021 में किए अपने कार्यों को बताया, जिनमें एक ओर हत्या के प्रयास से लेकर लूट मारपीट दहेज प्रताड़ना सहित नक्सलियों की कमर तोड़ने तक ब्यौरा पेश किया। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने बताया, 2021 में 2020 की तुलना में बस्तर संभाग के अंतर्गत अपराध की स्थिति सामान्य रहा है। 2020 में जहां हत्या के प्रयास के मामले 177 थे, जो घटकर इस वर्ष 139 मामले देखे गए, वहीं लूट की बात करें तो 29 मामले थे, इस वर्ष 22 देखे गए। महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के मामले 104 देखे गए थे, इस वर्ष 89 देखे गए। बलाबा के मामले 76 दर्ज हुए थे, इस वर्ष 53 मामले देखने को मिले। मारपीट जैसे मामलों में भी कमी आई है। 2020 में 603 मामले दर्ज थे, जो घटकर 453 देखने को मिले। बस्तर संभाग के सातों जिलों को नक्सल विरोधी अभियान से बड़े फायदे प्राप्त हुए हैं। बस्तर आईजी ने बताया, 2021 में जो उपलब्धि मिली है, वही 2022 में इससे बेहतर कार्य किया जाएगा। बस्तर आईजी और सातों एसपी ने बस्तर पुलिस के किए गए कार्यों के चित्र सहित 2022 कैलेंडर का भी विमोचन किया। 2021 में 2020 की तुलना में बस्तर संभाग के अंतर्गत अपराध की स्थिति सामान्य रहा है। इसमें एक आंशिक वृद्धि हुआ है 3% का, लेकिन बाकी जो क्राइम से जैसा हत्या का प्रयास, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस, महिला के विरुद्ध ऑफेंसेस, इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण कमी भी आए हैं। फिर भी एक निरंतर प्रक्रिया अपराध को रोकथाम, और यदि अपराध घटित होते हैं उसका आरोपी तक पहुंचकर उनके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई करने का हमारा एक प्रयास रहते, वो प्राथमिकता रहते, उसी हिसाब से बस्तर संभाग में आने वाले समय में भी अपराधों के विरुद्ध हम सख्ती से कार्रवाई करेगा। यदि नक्सल अभियान की बात करेगा, वर्ष 2021 में नक्सल घटना में उल्लेखनीय कमी आए हैं, टोटल 28% कमी हुआ है। जो वर्ष 2020 में टोटल 316 अपराध घटित हुआ, वेरस 2021 में 226 नक्सल वारदात घटित हुआ है, उसमें काफ़ी उल्लेखनीय कमी आए थे। फिर भी हमारा काफ़ी और काम बाकी है, जो अंदरूनी क्षेत्र में हमारे उपस्थिति को और मजबूत करके प्रभावी रूप से नक्सल विरोधी अभियान संचालित करके क्षेत्र में नक्सल समस्या का समाधान करके जनता को जानमाल की रक्षा करने के साथ उनकी इच्छानुसार एक विकास कार्य को गति प्रदान करना भी हमारा प्राथमिकता रहेगा। इन सब दिशा से हम लोग आगे कार्रवाई करेगा। BNN 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।